हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर बच्चों के स्वेटर लेडीज कार्डिगन जैकेट गर्ल्स टॉप फ्रॉक कुर्ती लेडीज स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर यह डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको पंद्रह के मल्टीपल फंदे लेकर सात फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा पंद्रह के मल्टीपल देखिए पंद्रह पंदे गिन लीजिए फिर से पंद्रह फिर से पंद्रह इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके सात फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और छः सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है बॉर्डर के बाद जिस किसी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंड्स जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ यहाँ पर मैंने लिए हैं सैंतीस फंदे पंद्रह दूनी तीस और उसमें सात फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ से इसको बनाना शुरू किया वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है तो देखिए पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए इस धागे को फोल्ड करके ऐसे अपनी तरफ ले आइए और ये टाइट वाला धागा है और ये लूज वाला है इस टाइट वाले को पकड़ेंगे और दो फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे एक और ये दो अब ये जो लूज वाला है इसे आप बैक साइड की तरफ ऐसे खींच दीजिए ये देखिए ये ऐसे आपका खींच जाएगा अब स्टिच के बाद जैसे हमने ये वाले दो फंदे बनाए अब ऐसे ही दो फंदे और बनाने हैं तो फिर से धागे को ऐसे फोल्ड करके और अपनी तरफ ले आएंगे ये लूज वाला है और ये टाइट वाला धागा है इसको पकड़ेंगे और दो फंदे इससे हम उल्टे बना देंगे और लूज वाले धागे को बैक साइड की तरफ ऐसे खींच देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बना देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखिएगा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का यहाँ एक फंदा ऐसे कर देंगे तो जो हमने दो का एक करके फंदा कम किया वो जाली से पहले ही बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागे को पीछे ले जाएंगे एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे तो ये देखिए दो का एक करने से यहाँ पर जो फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया अब एस्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पंद्रह फंदे का डिज़ाइन बनता है इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाना है तो ये देख लीजिए धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे अब ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ेंगे और इससे दो फंदे हम उल्टे बना देंगे जैसे एस के बाद यहाँ से बनाना शुरू किया वैसे ही अब हम यहाँ से बना रहे लूज वाले धागे को पीछे खींच देंगे फिर से धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे अब देखिए ये तो लूज है और ये टाइट है टाइट वाले से दो फंदे यहाँ उल्टे बना देंगे और लूज वाले धागे को पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा हम ये उल्टा बना देंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागे को अपनी तरफ कर लेंगे इसे पलटेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का एक फंदा बनाएंगे तो एक यहाँ कम किया तो जाली से फंदा बढ़ा दिया अब धागा अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे अगर टाइट लगे तो ऐसे लूज कर लीजिए फिर आगे से सिलाई डाल के दो का एक फंदा बनाइए फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे यहाँ दो का एक करने से फंदा कम हो गया तो इस एक फंदे को हम धागा अपनी तरफ करके सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया अब आप देखिए आपके जितने भी फंदे हों ये पंद्रह पंद्रह फंदे का डिज़ाइन है इसी को बार बार रिपीट करते जाना है लास्ट में आपके छह फंदे बचेंगे देखिए धागे को इस तरह से फोल्ड करके अपनी तरफ कर लेंगे और दो फंदे ये उल्टे बुनेंगे लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे फिर से फोल्ड करके धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए ये जो हमारा टाइट वाला धागा है इसको पकड़ लेंगे और लूज वाले को छोड़ देंगे और दो फंदे इससे हम उल्टे बनाएंगे और लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के दो फंदे यहाँ उल्टे आ जाएंगे पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर देखिए हम कैसे बनाएंगे जो फंदे हमने सीधी साइड पर सीधे बनाए हैं वो सारे हमारे यहाँ पर देखिएगा उल्टे बनेंगे सिर्फ हमें चार फंदे बीच के सीधे करने हैं उल्टी साइड पर बाकी तो सारी सिलाई इसमें उल्टी ही बनेगी ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने दो का एक किया यहाँ पर दो का एक किया इसके बीच में हमने चार फंदे जो है उल्टे बनाए हुए हैं सीधी साइड पर सिर्फ एक यही चार फंदे हमें यहाँ पर सीधे बुनने हैं बाकी पूरी सिलाई उल्टी जाएगी तो इस सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि इसको बुनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पहला फंदा उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये देखिए आठ और ये नौ नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए आपके ये चार फंदे सीधी साइड पर जो उल्टे हैं धागा पीछे कीजिए और ये चार फंदे यहाँ पर आप सीधे बना दीजिए ये हमने चार फंदे यहाँ पर सीधे बना दिए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच में देखिए आपके कितने फंदे आएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह बीच में आपके ग्यारह ग्यारह फंदे इस तरह से उल्टे आएंगे फिर उसके बाद आपके चार फंदे सीधे आएंगे एक दो तीन और ये चार फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में आपके नौ फंदे बचेंगे उनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिए या बनाइए धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे फिर हम ये टाइट वाले से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और इसे बैक साइड की तरफ ऐसे खींच देंगे फिर से धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और टाइट वाले धागे से दो फंदे उल्टे बना देंगे और अपने खींचने वाले धागे को बैक साइड पर खींच देंगे फिर ये देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे आएंगे एक और ये जाली वाला दो फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे ये सीधा ये उल्टा धागा अपनी तरफ करके बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे तो यहाँ फंदा कम किया तो जाली से बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब ये दो फंदे यहाँ उल्टे आएंगे क्योंकि एक इस साइड से हमने कम कर दिया और एक इस साइड से करेंगे तो धागा अपनी तरफ एक और ये दो देखिए हमने धागे को ऐसे पीछे की तरफ किया है और फिर दो फंदे का आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बना दिया तो यहाँ फंदा कम किया है उसके लिए हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे सीधे बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ा दिया यहाँ दो का एक करके घटा दिया अब आपके जितने भी फंदे हों एच के बाद ये पंद्रह फंदे का डिजाइन है इसी को बार बार रिपीट करना है तो देखिए धागे को ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे हम यहाँ उल्टे बना देंगे और लूज वाले को खींच देंगे फिर से फोल्ड करके अपनी तरफ करेंगे और टाइट वाले धागे से दो फंदे उल्टे और लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बना देंगे धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड की तरफ से देखिए ऐसे सिलाई डाल लेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे तो यहाँ फंदा कम किया जाली से फंदा बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ यहाँ अब हमारे दो फंदे उल्टे बचेंगे धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे तो फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे बनाने से जाली से फंदा बढ़ गया आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजाइन को रिपीट कीजिए लास्ट में छः फंदे हैं तो देखिए फोल्ड करके धागे को ऐसे ले आइए और दो फंदे ये उल्टे बना दीजिए लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच दीजिए फिर से इसको फोल्ड करके ऐसे अपनी तरफ ले आइए और दो फंदे उल्टे बनाइए अब ये जो लूज वाला है इसे बैक साइड की तरफ खींच दीजिए और लास्ट के दो फंदे उल्टे बना दीजिए तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई चौथी सिलाई उल्टी साइड पर ये देखिएगा यहाँ पर अब हम फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस पहले हमने यहाँ पर नौ फंदे बनाए तीसरी सिलाई पर हमारे ये दस फंदे उल्टे आ गए फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हमने इसकी जो दूसरी सिलाई आई थी उस पर ये हमारे देखिए चार थे अब हमारे दो फंदे सीधे बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह फंदे यहाँ उल्टे आएंगे जब पहली बार हम यहाँ उल्टी साइड पर आए थे यानी इसकी दूसरी सिलाई जो हमने उल्टी साइड से बनाई थी उसमें हमारे ग्यारह थे अब तीसरी सिलाई आई तो बीच में तेरह तेरह फंदे हो जाएंगे। धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे अब यहाँ सीधे आएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके और लास्ट के फंदे सारे उल्टे आएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं अब आज ये इसकी पाँचवीं सिलाई और सीधी साइड पर इसकी पाँचवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करनी है इसकी पाँचवीं जो सिलाई हम बनाते हैं उसी से इस वाले डिज़ाइन की ये इस तरह की शेप आएगी तो पाँचवीं सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए पहले फंदे को उतारिए या बनाइए फिर धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों धागे अपनी तरफ कर लेंगे टाइट वाले से ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे ये वाला जो हमारा केबल डिज़ाइन है ये हर सीधी सिलाई पर बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा इसमें कोई अंतर नहीं आता है लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच दिया फिर से इसको फोल्ड करके और ऐसे अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे फिर इसे पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये उल्टा बना देंगे अब धागा अपनी तरफ ही रहे इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे और बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डालेंगे और दो फंदे का देखिए धागा अपनी तरफ करके और दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे तो पहले जाली से फंदा बढ़ गया और फिर दो का एक करने से घट गया अब एक फंदा हम और ये जाली वाला सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे तो जो फंदा कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया धागा पीछे ही रहे ये उल्टा और ये सीधा आगे से सिलाई डाल के दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे तो फंदा कम हो गया है अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया जो हमने यहाँ कम किया धागा पीछे ही रहे एक और ये दो इन दो को ऐसे लूज करेंगे आगे से सिलाई डाल के दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे अब यहाँ पर हमने जो दो का एक किया उस फंदे को कैसे बढ़ाना है ध्यान से देखिए पहले तो आप धागे को इस तरह से फोल्ड करके अपनी तरफ ले आइए फिर इस तरह से लपेट कर एक जाले डाल दीजिए और धागा आपका देखिए डबल इसी तरफ रह जाएगा एस्टिच को छोड़ के यहाँ तक पंद्रह फंदे का डिज़ाइन बनता है इसी को बार बार रिपीट करना है तो अब ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे और फिर लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे फिर से इसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ लेकर आएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागा अब अपनी तरफ ही रहे इस वाले फंदे को पलटकर ऐसे सीधा कर देंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया और दो का एक करने से घट गया अब एक फंदा ये जाली वाला सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ है दो का एक बना देंगे तो फंदा बढ़ा दिया और यहाँ घटा दिया अब ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों को ऐसे लूज करके आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बना देंगे अब देखिए यहाँ पर हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे जो यहाँ कम किया वो जाली से बढ़ गया अब एक और ये दो इन दो फंदे को ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे तो यहाँ पर जो फंदा कम किया है उसके लिए देखिए कैसे करेंगे धागे को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें ये वाला डिजाइन भी बनाना है और यहाँ जाली भी डालनी है तो धागा ऐसे फोल्ड करके जब अपनी तरफ लाएंगे तो इस टाइट वाले से ऐसे सिलाई पर लपेट कर एक जाली बना देंगे और टाइट वाले धागे से ही दो फंदे आगे हम उल्टे बुन देंगे फिर लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे फिर से इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे अपनी तरफ कर लेंगे टाइट वाले से दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लूज वाले को बैक साइड की तरफ खींच देंगे और लास्ट के दो फंदे यहाँ उल्टे आ जाएंगे पांच सलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई छठी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी क्योंकि इसमें कोई भी फंदा सीधा नहीं बचा है तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से छह सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है इन्हीं छ छः सिलाइयों को आप आगे आगे रिपीट करते जाएंगी तो इस तरह से आपका ये बहुत ही शानदार सा डिजाइन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए फिर से पहले तो ये चार फंदे वाला डिजाइन बनाइए फिर ये एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाते हैं इस डिजाइन के और इस डिजाइन के गैप के लिए फिर एक फंदा सीधा बनाइए धागा अपनी तरफ करके इसे पलट के दो का एक कीजिए फिर चार उल्टे बनाइए फिर आगे से सिलाई डाल के दो का एक कीजिए फिर धागा अपनी तरफ करके ये जो जाली वाला फंदा है इसको सीधा बना दीजिए फिर से डिजाइन ऐसे ही रिपीट करना है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू